प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मॉर्निंग प्रेयर में आप सभी का स्वागत है। मेरे से तो आप डेली इसी प्रार्थना इसी चरण पर सुबह 8 बजे प्रार्थना आएगी। ये आएगी जैसे कल से स्टार्ट हो गई, और जब तक हमारी फास्टिंग प्रेयर नहीं आएगी जब तक इसी पे सुबह की 8 बजे की प्रार्थना आती रहेगी। नाइट प्रेयर के बाद भी इसी चरण पर सुबह की 8 बजे की प्रार्थना आती रहेगी। हालेलुया, ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे साथ एक मन होइए आज, और एक मन होने पर क्या क्या होता है सब कुछ बताएंगे। प्रे प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता आज के ये सुबह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो सुबह के 8 बज चुके हैं पिता परमेश्वर, लेकिन वीडियो आप पहले बनाते हो ताकि लोगों तक सही समय पहुंचे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। मेरा बोलना तेरी ओर से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जो तो वाक्य में परमेश्वर कई वीडियो पहले बना लेते हैं, लेकिन ये रात को ही बनती है ताकि सुबह तक आप तक अपलोड हो सके और सही टाइम पर आपको मिल सके। बाई चांस नेटवर्क या कुछ कारण की वजह से ही प्रार्थना नहीं आ पाती, लेकिन जब ऊपर आप प्रभु ने काम दिया, वो सारे काम सारे चरण पर बाखूबी आपको मिल रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आत्मिक उन्नति भी हो रही है। मेरे ऐसे तो आज की जो मॉर्निंग प्रेयर है वो है एक मन होना, यानी कि जब हम आप मेरे साथ एक मन होंगे, चाहे असंभव काम हो वो भी संभव होंगे। विश्वास के साथ सब कुछ संभव है, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता आपका ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि मेरे भाई में रिकवरी आने लगी जैसे आपने प्रार्थना की थी, और ये सब आपकी प्रार्थना का बहुत बड़ा प्रतिफल है, ये गवाही है मेरी। और निरंतर प्रार्थना करना ताकि पूरी तरह रिकवर हो सके, और जो काम परमेश्वर ने दास को दी वो कर सके, आमीन। निकालेंगे वचन मत्ती 18 उसका 18 से पढ़ूंगा। मत्ती 18 उसका 18 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी खोलोगे वह स्वर्ग में खोलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। परमेश्वर वचन की द्वारा आशीष दे। तो हम 2 या 3 से अधिक है, मैं यहां पर हूं और आप वहां पर हो, तो हम एक मन होकर हर प्रार्थना मांगेंगे, परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर वचन के द्वारा, मैं आशीष दे पिता तेरा दास तेरी कलीसिया के साथ, तेरी इन लोगों के साथ जो एक परिवार है पिता आपने दिया है, मैं एक मन होता हूं पिता, हर विषय पे एक मन होता हूं पिता, मैं एक मन होकर प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर कोई संतान के लिए कर रहा है तो उसकी संतान की आशीष दे, शादी की कर रहा है तो शादी की आशीष दे, नौकरी की ब्लेसिंग दे, घर परिवार से दुष्ट आत्माएं बीमारी कलेश ये जाती रहे पिता, हम एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं। जो जिस प्रकार विषय में प्रार्थना कर रहा है तेरा दास उसके साथ एक मन होकर तुझसे मांग रहा है पिता, इस पृथ्वी मांग रहा तो स्वर्ग में सुन पिता, और हमारे जीवन में वो काम कर जो असंभव है पिता वो संभव हो जाए आज और अभी पिता। लोग घर में से पिता दुष्ट आत्माएं बीमारी गरीबी परेशानी लाचारी कलेश और घर टूटना ये सब कुछ जो शैतान की ओर से कैंसिल हो जाए, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके शरीर में दुर्बलता पर निकल जाए पिता। पिता मैं एक मन हो रहा हूँ आज हर एक माँ बाप के लिए पिता, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपने बहू के लिए अपने दामाद के लिए मांगते हैं पिता, अपनी अपने घर के लिए मांगते हैं कि शादी नहीं हो रही जिसकी संतान नहीं हो पा रही, जो पिता कलेश में है वो सब शांति पाए संतान पाए शादी की आशीष हो, जो लोग नौकरी की मांग रहे पिता मैं उनके साथ एक मन हो रहा हूँ उनकी नौकरी की आशीष हो, जो विदेश जाना चाहते हैं मैं उनके लिए एक मन हो रहा हूँ ताकि वो विदेश जान पाए, जो बीमार है वो मेरे साथ प्रार्थना करें मैं उनके साथ एक मन हो रहा हूँ ताकि चंगाई मिले, जो दुष्ट आत्मा में मैं एक मन हो रहा हूँ ताकि वो छुटकारा पाए, मैं एक मन हो रहा हूँ मिनिस्ट्री के लिए पिता की मिनिस्ट्री आगे हो, मैं एक मन हो रहा हूँ कर्जा खत्म हो, मैं एक मन हो रहा हूँ पिता कि जो दान ऑफरिंग देते हैं पिता वो सोगना पड़ते हैं उनके लाइफ में उनके बैंक में आने पाए, मैं एक मन होता हूँ जो काम नहीं हो पा रहे वो काम हो पाएंगे, मैं प्रार्थना करता हूँ आज एक मन होके, और मैं इनके साथ एक मन हो गया और मेरा विश्वास ये वचन हम पे पूरा हो गया यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। विश्वास करोगे तो आज ही चमक कर देखोगे। गॉड ब्लेस यू।